बाल संरक्षण आयोग के सदस्य शैलेंद्र शेखर ने बागेश्वर का भ्रमण करने के बाद जिला कार्यालय में अधिकारियों से बाल श्रम के संबंध में बैठक ली। बैठक में अधिकारी को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, जीपीएस सिस्टम, निर्धारित पोशाक में वाहन चालक व एक महिला कर्मी उपस्थित न पाए जाने पर चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को बाल मजदूरों के चिन्हीकरण हेतु होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों तथा मोटर गैराजों के सघन चेकिंग के निर्देश भी दिए। मेरे द्वारा आज जनपद बागेश्वर में प्राइवेट स्कूल कंट्री वाइड का निरीक्षण किया गया था और उसके बाद में जिला कार्यालय संबंधित अधिकारियों से मीटिंग लेने के लिए आया। बैठक में निम्न बिंदुओं पर फोकस रहा है कि इस तरीके से बसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाए, जीपीएस सिस्टम, सीईओ को सीसीटीवी कैमरे के लिए भी कहा है और एक स्कूलों में सभी जगह वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो हो वो इंडस्ट्रियल लेवल का हो। डब्ल्यूसी को भी निर्देश दिए गए हैं। निर्भया प्रकोष्ठ की जो पोक्सो की रिपोर्ट मंगाई है हमने, वो शाम तक मेरे पास आ जाए। शासन को तो ये बाल संरक्षण के लिए कहा गया है कि बाल संरक्षण आप यहाँ का मजबूत कीजिए और स्कूल, विशेषकर स्कूल में बच्चों की जो बच्चों को लेकर जो भी समस्याएं उनको हल करने के लिए उनसे कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, बागेश्वर।